अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एसजेडबी न्यूज और मैं हूं वशमहान। एंग्रो इंटरनेशनल लिमिटेड हब के सैकड़ों वर्कर्स बेरोजगार हो गए। फैक्ट्री इंतजामिया ने लेबर कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए रातों रात ठेकेदारी निज़ाम को मसल्लत करते हुए 400 से ज़ायद फैक्ट्री वर्कर्स को फारिग कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली गुलहान से। जी अली गुलहान, आगाह कीजिएगा। इंटरनेशनल लिमिटेड हब के सैकड़ों वर्कर नाशुकरी के मोहताज हो गए। फैक्ट्री इंतजामिया ने लेबर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए रातों रात ठेकेदारी निज़ाम को मुसल्लत करते हुए 400 से ज्यादा फैक्ट्री वर्कर को फारिग कर दिया। सैकड़ों मेहनतकश फैक्ट्री के मेन गेट पर सरापा एहतजाज। वर्कर ने शदीद नारेबाजी करते हुए सूबे हुकूमत से फौरन नोटिस लेने का मुतालबा किया, जबकि इस मौके पर BNP अवामी के जिले डिप्टी ऑर्गेनाइज अकबर असकानी ने मकामी साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब इंडस्ट्रियल एरिया की बात से सरमायादार किसी कानून को खतरे में नहीं लाते। कई सालों से मजकूरा फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर को कानूनी हकूक देने के बजाय बगैर किसी तहरीरी पेश की इतला के फैक्ट्री से फारग करना और ठेकेदारी निज़ाम को लागू करना लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। अब इंडस्ट्रियल एरिया में अक्सर फैक्ट्री मालकान मुल्क की लेबर कानून को कोई अहमियत नहीं देते। अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस फैक्ट्री में सालों साल काम करने वाले लेबर को तकरारनामे तक नहीं दी जाती, सिर्फ गेट पर हाजिरी लगाई जाती है, कैसे हो सकता है मजकूरा फैक्ट्री सालों साल वर्कर्स काम कर रहे हैं। जी मजीद खबरें देखने के लिए देखते रहें SZB न्यूज़। फॉलो करें SZB न्यूज़ को YouTube, Twitter और Facebook पर।